गोरखपुर के जिस हॉस्पिटल में महिला ने सांप को जन्म दिया था, आज मैं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक डॉक्टर साहब है जिनका नाम है कुंवर गोरखपुरी। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको खुलासा होने वाला है कि क्या महिला ने सच में वो जन्म दी है या नहीं दी है। जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, क्या वो उसमें कितना परसेंट सच्चाई है, ये सारी सवालों को लेकर के मैं पहुंचा हूं डॉक्टर साहब के पास। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या महिला सांप को जन्म दे सकती है। बहुत बहुत स्वागत है आपको इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। डॉक्टर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे, तमाम लोगों का ये सवाल आया है कि ये जो खबर है सही में है या गलत है, इसकी पुष्टि करने के लिए हम आपके पास आए हैं, क्योंकि ये डॉक्टर ही बता सकते हैं। जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है जिसमें सांप जैसे कुछ दिख रहा है, क्या वो सांप हो सकता है या कुछ और हो सकता है? जैसे मैं बताऊं कि इस वीडियो को मैंने भी देखा था, आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। अगर इस शब्द को किसी और डॉक्टर से भी आप पूछेंगे तो उनका भी जवाब यही आएगा कि ऐसा नहीं हो सकता है और ऐसा नहीं होता है। और जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिख रही है, वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से ये बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक स्नेक नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा शेप है जिस शेप के वजह से ये हमें जानकारियाँ हो रही हैं। जिनको जानकारी 100% नहीं होती है, उनके द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि हाँ ये सर्प है, किंतु जिन्हें इसके बारे में जानकारी है उनसे आप किसी से भी बात करेंगे, किसी भी डॉक्टर से बात करेंगे, तो उनकी जानकारी ये मिलेगी कि एक्चुअल में ये सर्प नहीं है, इस तरह की बिल्कुल दिख ही नहीं रही, तो हम कह कैसे सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, वहां पे डेट लिखा गया है 23/5/10, यानी 23/5/2010 समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को ये भी कहना है कि 10/5/23 है वो। इसमें क्या सच्चाई है, 10 साल पुराना रिपोर्ट है या ये 2023 का रिपोर्ट है वो? अभी मैंने जो वीडियो कुछ मीडिया के माध्यम से मैंने देखा था चैनलों पे, उसमें मैंने देखा कि किसी के माध्यम से लिखा हुआ था कि ये 2021 की रिपोर्ट है, किसी चैनल में दिखा कि 2010 की रिपोर्ट है, कहीं दिखा कि ये कुशीनगर की रिपोर्ट है, कहीं दिखा कि ये गोरखपुर की रिपोर्ट है, देवरिया की है, बिहार की है। तो इस तरह से जिसका पता ही ना हो उसे हम सच कैसे कह सकते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि सांप जो जन्म लेता है वो अंडा पहले आता है बाहर, उसके बाद से वो अंडे से जन्म लेता है, सांप बनता है। और जो बताया जा रहा है लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि महिला ने सांप को जन्म दिया और कहीं ना कहीं महिला दूध भी पिला रही, ये कितना सच है? आपको तो ये समझ के और ये सुन के हैरानी जरूर होगी कि एक महिला यदि उस सर्प को जन्म दे चुकी होगी और उसे दूध पिला रही होगी तो एक्चुअल में वो सर्प है तो सर्प है, उसमें पॉइजन बनेगा बनेगा 100%। वो प्रकृति की अपनी बनाई हुई देन है प्रकृति की, कि उसमें जो पॉइजन की थैली होती है वो परमानेंट हमारे साथ ही आती है। तो उसी तरह से हमारे भी, जैसे हम कहें कि जिस तरह सर्प के पास में पॉइजन होता ना, हमारे पास में भी पॉइजन है, लेकिन हमारी तरीके अलग हैं, सर्प के तरीके अलग हैं। सर्प जब हमें, अगर हम सर्प को दूध पिला रहे हैं तो कभी भी काट सकता है, और काटने की सिचुएशन में होता है कि कभी कभी सर्प ने अगर पलट दिया तो उसकी जो पॉइजन की थैली होती है ना वो पलट जाती है, और जैसे पलट जाती है तो वो थैली पलटने के वजह से पॉइजन चला जाता है जहां पर उसके दांत लगे होते हैं, जिसके वजह से बचना मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि अगर एक लेडी किसी सर्प को दूध पिला रही होगी तो उसकी कंडीशन कैसे हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो हमें लग रहा है कि उस औरत को और उस सर्प को इतनी लोग पूजा करना चालू कर देंगे कि भगवान ही समझ बैठेंगे, तो फिर उसे पहचानने में और उसे जानने में कहीं देर नहीं होगी कि 4 साल बाद ये खबर आ रही है और 10 साल बाद खबर ये आ रही है। तो अभी की खबर जो आ रही है ये बिल्कुल हमें समझना चाहिए कि गलत है। अगर ऐसी सच्चाई होती तो आज के बहुत दिनों पहले जब वो रिपोर्ट आई, जब वो पैदा हुआ होता, तभी ये जानकारी मिल गई होती और उसकी तमाम सारी जो है कि सेफ्टी व्यवस्थाएं हो चुकी होती। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल इसे सरासर गलत ही माना जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल रहेगा आपसे, हमने बहुत सारे जानवरों में देखा है कि बकरी ने पिल्ले का मतलब बच्चे का जन्म दे दिया है, और कहीं ना कहीं जो पिल्ले होते हैं वो बकरी के बच्चे का जन्म देते हैं, इसमें क्या सच्चाई रहता है? ऐसा कभी कभी हो जाता, प्रकृति की देन है, प्रकृति क्या कर सकती है हम कह नहीं सकते। जैसे मैंने अभी एक मीडिया पे ही, एक चैनल पे
मैं वो चैनल भी बता दे रहा हूँ कि अपने एक हमारे जानने वाले ही हैं, दबंग 24 बिहार में है वो भैया, उनसे हमारी बातें भी कभी कभी होती रहती हैं। उनके चैनल पे मैं आज ही देखा हूँ कि एक ऐसी गाय है जो गाय आज कम से कम दो साल से लगातार दूध दे रही है और उसका कोई भी बच्चा नहीं है, उसे कोई भी गर्भ नहीं रुका है और उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू दूध दे रही है। वो जो गाय है ना, वो गाय जिसके वहाँ है वो पंडित जी हैं, उसकी पूरी तरह से पूजा कर रहे हैं और वो खुद बता रहे हैं कि इस गाय को जैसे 22 महीने जैसे हुए तो ये गाय की जो दूध की होती है वो दूध ऑटोमेटिक से गिरना चालू हो गया तो लोगों को ये दिखा, फिर दूध निकालने लगे। और आज वो पंडित जी वीडियो में बता रहे थे कि ये 22 महीने के बाद ये दूध देने लगी गाय, और इस गाय की जो दूध है हम बेचते भी नहीं है, इस गाय की जो दूध है वो लोगों के सेवा में जाता है, ये मान करके कि जो गाय ने एक बच्चा नहीं दिया और लगातार 2 साल से दूध दे रही है तो ये एक प्रकृति की देन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तमाम सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वीडियो बहुत वायरल हुआ है, मिलियन में गया है, और इस तरीके का जो कहा जा रहा है कि गोरखपुर का है, कुशीनगर का है, बिहार का है, कहाँ का हो सकता है ये रिपोर्ट? ये हमें यही लग सकता है कि ये रिपोर्ट कहीं का भी नहीं हो सकता है, और जहाँ का हो सकता है, जहाँ का होगा वहाँ की जो प्रिंटिंग की गई है, जो एड्रेस दिया गया है वो 100% गलत दिया गया है, क्योंकि अगर उस पर प्रिंटिंग बराबर रहेगी तो ज़रूर वहाँ से क्लियरिफिकेशन हो सकेगी कि हाँ यहाँ से अल्ट्रासाउंड हुआ है और उसकी रिपोर्ट, उसकी डाटा फिट रहती है, वो मिल जाएगी। लेकिन इसकी क्लियरिफिकेशन ना होने के वजह से ये बिल्कुल कहा जाएगा कि गलत है और उसकी गलत एड्रेस दी गई है केवल इसको वायरल करने के लिए। अल्ट्रासाउंड पे लिखा गया है कि अलीगढ़ अल्ट्रासाउंड सेंटर, तो हम अलीगढ़ में तो जाके पता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अलीगढ़ में ऐसा केस होगा तो किसी को जानकारी नहीं होगी और किसी ने इसकी जानकारी नहीं दी गई होगी आगे तक, तो जानकारियां इसकी दी गई होंगी किंतु ये गलत जानकारी रही होगी जिसके वजह से बहुत आगे नहीं गई होगी, और ये कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट है, अभी वायरल हो रही है, तो वायरल होने के बाद हमें समझना चाहिए कि बिल्कुल ये गलत हो सकता है। अब जाते जाते जो लोग वीडियो को, उस तरीके का वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इस वीडियो को लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने एक गलत मैसेज को शेयर करके लोगों तक जानकारी दे दिया तो अभी उन जानकारी को, गलत जानकारी को सही जानकारी में कन्वर्ट करने के लिए इस वीडियो को भी आप शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं कि लोगों को ये जानकारियां मिल सकें कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, और उस वीडियो को, गलत वीडियो को ना शेयर करें, इस वीडियो के माध्यम से सभी को जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को इतनी जानकारी देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि फिर से जो महिला ने सांप को जन्म दिया था वो एक अफवाह है, फर्जी वीडियो बना करके लोगों ने डाला था, और जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आपने जो देखा था वो भी कहीं ना कहीं फर्जी था। बाकी इस पूरी वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने हुए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।